बोला के अब एगो देह पर चार पांच जम झुक के आंखी काल बा गोली घर में ले जाके आ मुआ के आलिया करा तलास फेकल बा आ सो मारे से खोजा त हम करला साइले पतंगा जे कहां से जला सागल मुवल सरल सुना कर त मंदिर में पूजा करत लहन सेवा करत लहन माझा गढ़ एक पुजारी को हुआ हत्या जो कि 6 दिन के बाद उसको बॉडी मिला। और यहाँ के ग्रामीण से बात करते हैं कि क्या है सच्चाई, जानने का कोशिश करते हैं। बाबू रहत में पूजा पाठ कर सोमवार के भोर में उठल बड़े तो अथी नहैले बड़े धोले बड़े थोड़ दिन वीडियो कॉल में बतावा था मंदिर के पास में और बस नहीं वीडियो बताओ ओकरा बाद से लोग ने बोला के अब एक देह पर चार पाँच जन झू के आँखी काल बा गोली घर में ले जाके आ मुआ के आलिया के रात के लाश फेंकल बा सब कोई बकैच चलता तो लोग ना देख आज देख लोग आए बकैच चलावे पत्थर काट पुलिस ओ दिन आए रहे का कुछ कहलो क्या नाम रहल उनकर मनोज पहले मुखिया में जीतला मुखिया लम के जानता है सब कावना दिन के ये घटना हो रातवार के रात में जो सुतल बाड़े आ सोमवार के रात में सवेर में से पता नहीं क्या उनकर आ सोमवार से खोजा तो उनकर लाश आइले पतंगा जे कहां से जला सागल मुवल सरल अब उनसे पुलिस के ना जांच करेला का लागत के हत्या कइले बा अभी अब होते हैं कहले कि भगवान हम निकाल नहीं से का कहले बा के त पुलिस ने जांच करी का करत रहलन कुछ ना करत मंदिर में पूजा करत रहलन सेवा करत रहलन मंदिर में घर बा। 6 दिनों तक पुलिस ने नहीं पता लगाया तो पुलिस वाले की गाड़ी को तोड़ फोड़ कर दी है। देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी पब्लिक नहीं मान रहा है तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मारने के लिए दौड़ रहे हैं पुलिस। देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ का पुलिस से बात करते हैं क्या बता रहे हैं इनका। एक लड़के का शव मिला था, उसी के आक्रोश में लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसमें कि लोगों ने रोड जाम किया था कुछ देर और हम लोगों ने FIR दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी रोड क्लियर हो चुका है, NH एकदम सुचारू ढंग से चल रहे हैं। हत्या के आरोप लगा रहे हैं, हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहां का मामला है सर? ये माझा थाना अंतर्गत है।